वेलकम बैक स्टूडेंट्स, आप सबों का स्वागत है आपके अपने प्यारे YouTube चैनल पे। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक पोएम पढ़ाने जा रहा हूँ। क्लास सेवन्थ के विद्यार्थियों के लिए ये खास है, डैडी फेल इनटू द पॉन्ड। बहुत ही रोचक कविता है, बहुत ही शानदार कविता है। इस कविता को एंड तक आप जरूर से जरूर देखेंगे, समझेंगे, यानी मतलब वीडियो का एंड तक आपको रहना है। यूनिट 5B की ये पोएम बहुत अच्छी पोएम, इसे लिखे हैं अल्फ्रेड नॉयस ने। और सबसे पहले देख लेते हैं कि इसमें बिफोर यू रीड क्या है। वन सेकेंड, यस, देखिए ये बिफोर यू रीड। वन पोएम, द पोएम डैडी फेल इनटू द पॉन्ड इज अ सिंपल पोएम दैट एक्सप्रेसेस द इनोसेंट रिएक्शंस ऑफ किड्स व्हेन दे सडनली सी देयर फादर फॉल्स इनटू द पॉन्ड। इवन द बर्ड्स अराउंड देम बर्स्ट आउट लाफिंग। ये जो कविता है ना, डैडी फेल इनटू द पॉन्ड, एक सिंपल कविता है। और यहाँ पे ना, इस कविता में सभी कोई अपना रिएक्शन को एक्सप्रेस करते हैं। कब? छोटे छोटे बच्चे जो हैं, वो जो बर्ड्स हैं, चिड़ियाँ हैं, वो भी अपना रिएक्शन देते हैं, अपना रिएक्शन एक्सप्रेस करते हैं। कब? जब डैडी जो है ना, जब डैडी पॉन्ड में गिर जाते हैं, मतलब तालाब में फिसल जाते हैं, गिर जाते हैं, तो उसका रिएक्शन ना वहाँ आसपास जितने बच्चे हैं सभी देते हैं, चिड़ियाँ भी देते हैं। चलिए चलिए देख लेते हैं बारी बारी से हम लोग। एवरीवन ग्रम्बल्ड, द स्काई वाज ग्रे। वहाँ जितने भी लोग थे ना, सब कोई आपस में ग्रम्बल कर रहे थे, आपस में बकबका रहे थे, बड़बड़ा रहे थे। क्या कह रहे थे? द स्काई वाज ग्रे, कि आसमान जो है ना वो कैसा था? ग्रे कलर का था। वी हैड नथिंग टू डू एंड नथिंग टू से। और उस दिन, उस समय ना, हम लोग के पास कुछ भी कार्य को करने को नहीं था, कोई भी काम करने को नहीं था और कुछ भी कहने को नहीं था, ठीक है। वी वेयर नियर द एंड ऑफ ए डिसमे डे। और हम लोग बिल्कुल उस दिन का अंत करने वाले थे, और वो जो दिन था हम लोग का डिसमे डे था। डिसमे का मतलब होता है निराशाजनक भरा दिन, डिसमे डे। And then there seemed to be nothing beyond. और लग रहा था कि अब आगे कोई भी काम नहीं होगा, अब आगे कुछ नहीं होगा। मैं फिर से इस स्टांजा को समझा देता हूँ। Everyone grumbled, सब कोई बड़बड़ा रहे थे। The sky was grey, ये sky जो है वो grey है, grey था। We had nothing to do and nothing to say. और उस हम लोग के पास कोई काम करने को नहीं था, कुछ भी बोलने को नहीं था। We were near the end of a dismay day. और वो जो दिन था ना, वो बिल्कुल निराशा भरा दिन था, उसका अंत होने वाला था, मतलब कि शाम होने वाली थी। एंड देन देयर सीम टू बी नथिंग बियॉन्ड, और लग रहा था कि अब कुछ आगे नहीं होगा। देन डैडी फेल इनटू द पॉन्ड। और उसी समय क्या हुआ कि उसके बाद डैडी जो है ना, वो पॉन्ड में गिर गए, तालाब में गिर गए। डैडी फेल इनटू द पॉन्ड, फिर क्या होता है देखते हैं। चलिए फिर नेक्स्ट होता है, नेक्स्ट क्या है आप देखें। एंड एवरीवन्स फेस ग्रू मेरी एंड ब्राइट। और सबों का चेहरा ना वहाँ पे एकदम खुशी से भर गया और चमकीला होने लगा, ठीक है, चमक गया, खुशी से भर गया। क्यों? क्योंकि डैडी जो है ना, वो तालाब में गिर गए। एंड टिमोथी डांस फॉर शेयर डिलाइट। और टिमोथी जो था ना, उसका कुत्ता, छोटा कुत्ता, वो भी खुशियों से नाचने लगा था। गिव मी द कैमरा क्विक, ओ क्विक। और मैं कह रहा था कि कैमरा दो मुझे, जल्दी दो, जल्दी दो। ही इज क्रॉलिंग आउट ऑफ डकवीड, क्लिक। अब क्यों, क्यों कह रहा था, क्यों कह रहा था कि कैमरा दो मुझे? क्योंकि डैडी जो है ना, वो डकवीड के सहारे बाहर निकल रहे थे पॉन्ड से। जो छोटे छोटे पौधे होते हैं ना पानी के ऊपर, वो डकवीड होते हैं, उसके सहारे जो डैडी हैं वो निकल रहे हैं बाहर, तो कैमरा से मुझे फ़ोटो खींचनी है। देन द गार्डनर सडनली स्लैप्ड हिज नी। और तभी गार्डनर जो है ना, माली, वो स्लैप्ड हिज नी, अपने नी को ये स्लैप करते हुए। एंड डबल अप शेकिंग साइलेंटली, और डबल अप करने लगा, कभी झुक जाते हैं कभी सीधा होते हैं। एक्चुअली वो पकड़ना चाह रहे थे उनके पापा को, फादर को। एंड द डक्स ऑल क्विक एज इफ दे वर डॉफ। और जितने भी डक्स थे ना, वो क्वक क्वक कर रहे थे, उसकी डक की आवाज़ जो है ना क्वक होती है, और ऐसा लग रहा था कि वो ड्राफ हैं, डाफ हैं,
एंड इट साउंडेड एज इफ द ओल्ड डार्क लाफ्ट, और ऐसा लग रहा था, ऐसा साउंड आ रहा था कि एक बूढ़ा बतख जो नर बतख है वो हंस रहा है। ओह देयर वाजंट अ थिंग दैट डिडंट रिस्पॉन्ड, और वहाँ आसपास कोई भी ऐसा चीज़ नहीं था कि जो रिस्पॉन्ड नहीं किया हो। सबों ने अपनी रिस्पॉन्ड करी जब डैडी फेल इनटू द पॉन्ड, जब डैडी जो है ना पॉन्ड में गिर गए तो सब लोगों ने अपनी रिस्पॉन्स दी, डैडी फेल इनटू द पॉन्ड। तो बच्चों ये प्यारी कविता आपको कैसी लगी आप जरूर से ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।